आम आदमी पार्टी प्रदेश की राजनीति में लगातार सक्रिय रहने की कोशिश में है। इसी वजह से कभी स्कूल और अस्पताल रैली, कभी खूंटा पाड़ रैली, तो वहीं अब व्यवस्था परिवर्तन रैली को लेकर आम आदमी पार्टी जनता के बीच पहुंचेगी। आम आदमी पार्टी के पलवल जिला अध्यक्ष कुलदीप कौशिक ने आज पलवल विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी के द्वारा आयोजित होने वाली व्यवस्था परिवर्तन रैली के बारे में जानकारी दी। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर सीधा हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री खट्टर के नेतृत्व में प्रदेश में धरातल पर विकास कार्य हुए ही नहीं है, इसलिए आम आदमी पार्टी ने हरियाणा प्रदेश में बीजेपी सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने का मन बना लिया है। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा करवाए गए कामों के कसीदे पढ़े। कहा कि दिल्ली में विकास एक नए स्तर पर है और वैसा ही काम अगर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो यहां भी किए जाएंगे। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि हरियाणा के लोगों ने मन बना लिया है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में जिस तरह से विकास कार्य हो रहे हैं उसी तरह से विकास कार्य हरियाणा प्रदेश में भी किए जाएंगे। खट्टर सरकार के जो काम है उसको लोग भी देख रहे हैं और पूरा हरियाणा में ये संदेश है, मैसेज है कि भाई इस बार जिस तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार यहाँ बने, आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में बने और जो काम वहाँ किए हैं वही काम जो है हरियाणा में करें। तो हम सबका उद्देश्य यही कि अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, बिजली के रूप में हमने जो व्यवस्था बदली है तो वो व्यवस्था की मांग पूरे देश में है, पूरे हरियाणा में भी है, पूरे देश में भी है। हम जाते हैं लोगों के पास तो लोगों में जो उत्साह है कि भाई काम तो बहुत हुआ, काम बहुत किया, जितना काम कर सकते थे, केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण भी बहुत से काम नहीं कर पाए, बहुत सारी बाधाएं, लेकिन जितना भी जो भी वो कर सके वो सराहनीय, प्रशंसनीय, पूरे देश में, इवन विदेशों में भी मोहल्ला क्लिनिक जैसी, डोर स्टेप डिलीवरी जैसी जो स्कीम है जो पूरे भारत में उसकी बड़ी सराहना हो रही है। तो ऐसे कार्यों की जो आवश्यकता है, ऐसे कामों की, वो पूरे हरियाणा बल्कि पूरे देश में आवश्यकता है। तो अब हरियाणा में हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, सरकार बनाएंगे और सरकार बनाकर वही काम, जो काम कुछ हम नहीं भी कर पाए दिल्ली में, वो सब काम हम हरियाणा में करेंगे। हालांकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा इस पर अभी स्थिति साफ नहीं है, तो वहीं ये भी अभी साफ नहीं है कि क्या आम आदमी पार्टी चुनावों में किसी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन करेगी या नहीं, क्योंकि हम सभी ने देखा था जींद उपचुनावों में आम आदमी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़कर जेजेपी को समर्थन दिया था। बहरहाल इस खबर से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल सत्य खबर। पलवल से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।